नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमित कुमार सचिन और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपने होस्टिंगर डोमेन को ब्लॉगर से कैसे कनेक्ट करेंगे। वैसे तो मैंने इस टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। इस वीडियो में मैंने बताया है कि ब्लॉगर वेबसाइट पे कस्टम डोमेन कैसे ऐड करेंगे, फिर भी अभी लोगों को कुछ कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, तो इस वीडियो में हम उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग जब अपने ब्लॉगर वेबसाइट को डोमेन से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो नेम सर्वर या सीनेम में ऐड करते हैं तो कुछ इरर का सामना करना पड़ता है। बहुत लोगों को जानकारी नहीं होती है कि ये इरर क्यों दिखा रहा है, तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो भी इरर आ रहा है वो क्यों आ रहा है। ये वीडियो वो लोग भी देख सकते हैं जिनका डोमेन गोडैडी पे हो या अन्य किसी डोमेन प्रोवाइडर का हो, क्योंकि सारा प्रोसेस उसमें भी सेम है। उसमें भी अगर इस तरह का एरर दिखा रहा है तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे पास होस्टिंगर का ये डोमेन है via1.com और ये ब्लॉगर का वेबसाइट है मेरे पास, जिसको मुझे होस्टिंगर के डोमेन से कनेक्ट करना है। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपका वेबसाइट www के साथ ओपन हो जाता है लेकिन विदाउट www के वेबसाइट आपका ओपन नहीं होता है, जो होस्टिंग प्रोवाइडर है उसी का डिफ़ॉल्ट पेज दिखाता है, तो उस एरर को कैसे दूर करेंगे, यानी आपके वेबसाइट mydomain.com को www.mydomain.com पे कैसे रीडायरेक्ट करेंगे, ताकि अगर कोई भी आपका वेबसाइट का एड्रेस डाले तो आराम से ओपन हो जाए, कोई एरर नहीं दिखाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि ब्लॉगस्पॉट के इस एड्रेस को हम कस्टम डोमेन से कैसे कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने ब्लॉगर में लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको पब्लिशिंग सेक्शन में आपके ब्लॉग का एड्रेस दिया हुआ है। तो अभी आपके वेबसाइट का एड्रेस है blogspot.com के साथ, तो हमको इसमें कस्टम डोमेन ऐड करने के लिए यहाँ कस्टम डोमेन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास जो कस्टम डोमेन है उसका URL ऐड करना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो कस्टम डोमेन ऐड करना है वो www के साथ ऐड करना है। अगर हम यहाँ विदाउट www के साथ ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पे एरर बताएगा, यहाँ पे लिखेगा कि ब्लॉग्स मे नॉट बी होस्टेड नेक्स्ट डोमेन, यानी ब्लॉगर जो है www के साथ ही आपके वेबसाइट को होस्ट करता है, विदाउट www के वेबसाइट को ये होस्ट नहीं करता है। तो हम यहाँ पे www.via1.com लिख देंगे और यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे। तो सेव पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का एरर दिखाएगा, लिखेगा कि वी हैव नॉट बीन एबल टू वेरीफाई योर ऑथोरिटी टू दिस डोमेन। ये इसलिए एरर दिखा रहा है क्योंकि इसका जो सीनेम है अभी ब्लॉगर के डेस्टिनेशन पे पॉइंट आउट नहीं है, तो हम उसको पॉइंट आउट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है एक सीनेम दिया हुआ है www, उसका डेस्टिनेशन ऐड करना है ghs.google.com और उसके बाद एक ये आपको दिया हुआ है सीनेम, उसको डेस्टिनेशन इसमें आपको पॉइंट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक एड्रेस भी दिया हुआ है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस एड्रेस पे जाके उसके इंस्ट्रक्शन को विजिट कर सकते हैं। तो अगर आप ये URL ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको प्रोसेस दिया हुआ है कि कैसे ब्लॉगर के डोमेन को आप कस्टम डोमेन के साथ ऐड कर सकते हैं। तो ये तो प्रोसेस है आपका केवल www के साथ। अगर आपका वेबसाइट अपने रीडायरेक्ट करना चाहते हैं विदाउट www के साथ तो आपको ये भी प्रोसेस ऐड करना होगा, यानी कुल मिला के आपको दो प्रोसेस ऐड करने होंगे, दो सीनेम एड्रेस ऐड करने होंगे और चार आपको ए एड्रेस ऐड करने होंगे। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपको इस फॉर्मेट के रूप में दो सीनेम एड्रेस ऐड करने हैं। तो ये अलग अलग वेबसाइट के लिए अलग अलग होता है, एक नंबर सबके लिए सेम होगा लेकिन दो नंबर आपका जो है अलग होगा, आपको लास्ट में ये db.googlehosted.com सब में रहेगा। उसके बाद ये चार एड्रेस आपको ए रिकॉर्ड सब में ऐड करने हैं। अगर आप विदाउट www के डोमेन को रीडायरेक्ट करना चाहते हैं www.mydomain.com के साथ,
तो उसके बाद हम होस्टिंगर के सी पैनल में लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे डोमेन दिखेगा, तो डोमेन के आपको मैनेज में जाना है। अगर आपके होस्टिंगर अकाउंट में एक से अधिक डोमेन है तो आप यहाँ से अपना जिस डोमेन पे आपको सेटअप करना है वो डोमेन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डोमेन ओवरव्यू के नीचे आपको DNS या नेम सर्वर का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आपका जो डिफ़ॉल्ट नेम सर्वर यहाँ पे दिया हुआ है जो कि ये होस्टिंगर का है, तो अगर आपके वेबसाइट को होस्टिंगर के होस्टिंग से कनेक्ट करना होगा तो ये सेम ही नेम सर्वर रखना होगा। लेकिन अगर आपको ब्लॉगस्पॉट से कनेक्ट करना है तो आपको DNS सेटिंग में चेंज करना होगा। तो यहाँ आपको DNS नेम सर्वर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देगा, यूज होस्टिंगर नेम सर्वर और एक दिखाई देगा यूज माई ऑन नेम सर्वर। तो आप अगर नीचे आइएगा तो यहाँ पे बहुत सारे आपको सी नेम, CAA, MX रिकॉर्ड, NS रिकॉर्ड और A रिकॉर्ड दिख जाएंगे, जो कि ये आपका डिफ़ॉल्ट है, यानी आपका भी वेबसाइट होस्टिंगर पे पार्क्ड है। तो अगर आपको किसी अदर होस्टिंग प्रोवाइडर से कनेक्ट करना है तो यहाँ पे नेम सर्वर उस होस्टिंग प्रोवाइडर का ऐड कीजिएगा तो ये आपका डोमेन कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको ब्लॉगर से कनेक्ट करने के लिए आपको इसी होस्टिंग नेम सर्वर पर रखना है और यहाँ पर A रिकॉर्ड और सी नेम रिकॉर्ड ऐड करना है। तो सबसे पहले ये सी नेम रिकॉर्ड ऐड करने के लिए कह रहे हैं www और उसका डेस्टिनेशन देना है ghs.google.com। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ ऐड करते हैं रिकॉर्ड। तो सबसे पहले हम यहाँ सी नेम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ नेम की जगह www ऐड करते हैं और टारगेट में ghs.google.com हम ऐड कर लेते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ ऐड रिकॉर्ड पर ऐड कीजिएगा तो ये इरर बताएगा। इसलिए ये इरर बताएगा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी www के नाम से एक सीनेम ऐड किया हुआ है। आपको करके भी हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिख रहा है कि सीनेम का जो आप www के साथ आप पॉइंट आउट कर रहे हो वो ऑलरेडी एक रिकॉर्ड ऐड है। तो या तो आप इसको एडिट करके कर सकते हो या इसको डिलीट करके एक एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। तो हम इसी में एडिट कर लेते हैं और www का टारगेट हम दे देते हैं ghs.google.com और यहाँ अपडेट कर देते हैं। तो मेरा एक सीनेम रिकॉर्ड ऐड हो गया। और अगर जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि ये और जितने भी सीनेम रिकॉर्ड दिख रहे हैं वो दूसरे टाइप के हैं। जैसे ये PHP माई एडमिन के लिए है, ये वेबमेल के लिए है, ये सी पैनल के लिए है, ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है और ये सब जो रिकॉर्ड दिख रहे हैं वो SSL सर्टिफिकेट के लिए है। उसके बाद ये जो दो आपको दिख रहे हैं ये नेम सर्वर के हैं, तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं या ऐसे भी छोड़ दीजिएगा। तो ये डिफ़ॉल्ट है, इसको अगर आप डिलीट भी नहीं कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। और यहाँ पे एक A रिकॉर्ड ऐड है ऑलरेडी जो कि ये होस्टिंगर का है, तो इसको आपको डिलीट करना होगा। लेकिन उससे पहले हम एक और सीनेम रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं। यहाँ हम दूसरा सीनेम रिकॉर्ड का आप नेम कॉपी किए और यहाँ से सिलेक्ट कर लिए सीनेम, नेम में हम पेस्ट कर दिए। उसके बाद ये डेस्टिनेशन जो दिया हुआ है इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद ये ऐड रिकॉर्ड पे आपको क्लिक कर लेना है। तो ये दोनों रिकॉर्ड आपका ऐड हो गया। एक बार रिलोड करके चेक कर लीजिए कि ये दोनों रिकॉर्ड आपको दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे एक रिकॉर्ड दिखा रहा है और एक रिकॉर्ड यहाँ पे दिखा रहा है। ये दोनों मेरा सेव हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। अगर वहाँ से सीनेम रिकॉर्ड अपडेट हो गया होगा तो ये सेव हो जाएगा। तो ये मेरा देख सकते हैं ये सेव हो चुका है। तो अब हम यहाँ व्यू ब्लॉग पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो मेरा blogspot.com दिखा रहा था अब vr1.com में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन अगर हम विदाउट www के अपना वेबसाइट ओपन करते हैं तो आप यहां देख सकते हैं कि ये पेज मेरा होस्टिंगर पे ही अभी पार्क है, यानी मेरा विदाउट www वाला अभी रिडायरेक्ट नहीं हो रहा है। तो उसको कैसे ऐड करेंगे वो भी मैं बता देता हूं आपको। आपको यहां पे 4 A रिकॉर्ड ऐड करना है। तो सबसे पहले हम ये रिकॉर्ड डिलीट कर देते हैं। आपको ये रिकॉर्ड डिलीट करना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे जो आपको ऐट दी रेट ऑफ दिखा रहा है इसका मतलब आपका केवल जो विदाउट www का डोमेन है वो अभी पार्क है इस IP एड्रेस पे।
तो वो हमको चेंज करके ब्लॉगर का आईपी एड्रेस ऐड करना है। तो हम पहले इसको डिलीट कर लेते हैं और ये चार आईपी एड्रेस आपको ऐड करना है। मैं ये आईपी एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आपको ऐट द रेट ही रखना है, यानी इसका मतलब है आपका जो URL है विदाउट www के वो हो गया, उसको पॉइंट आउट आपको करना है इस आईपी एड्रेस पे। और इसके बाद आपको ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। तो ये मेरा ऐड हो गया। उसके बाद हम दूसरा भी ऐड कर लेते हैं, ये कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, फिर ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये मेरा दूसरा रिकॉर्ड भी ऐड हो गया। इसी तरह से हम तीसरा और चौथा भी कर लेते हैं। आपको ये चारों आईपी एड्रेस ऐड करते हुए ए रिकॉर्ड ही रखना है और नेम की जगह ऐट द रेट ऑफ ही रखना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं चारों रिकॉर्ड मेरा ऐड हो चुका है। आप नीचे आइएगा तो आपको ये चारों आईपी एड्रेस दिख जाएंगे। तो ये चारों आईपी एड्रेस ऐड होने के बाद अब आपको यहाँ रीडायरेक्ट डोमेन पे क्लिक करना है और इसको इनेबल कर देना है। तो ये सेव हो गया, यानी ये आपका वर्क कर रहा है अब विदाउट www से, अब www के साथ रीडायरेक्ट हो रहा है डोमेन। उसके बाद हम इसको रिलोड करके देखते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप देखिएगा कि ये वर्क अभी नहीं कर रहा है। तो कारण ये है कि कैचे सेव कर लिया है, इसलिए मैं कितना भी इसको रिलोड करूँगा विदाउट कैचे क्लियर किए तो ये वैसा ही दिखाएगा। तो इसके लिए हम प्रॉक्सी वेबसाइट का यूज़ करते हैं। ये एक प्रॉक्सी वेबसाइट है, इसमें आपका वेबसाइट अभी लाइव कैसा दिखा रहा है वो आप चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं via1.com, विदाउट www मैंने डाला है। इसके बाद इस पर आपको क्लिक करना है तो आप देख सकते हैं ये अपने आप रीडायरेक्ट हो गया उस वेबसाइट पे। तो बहुत बार ऐसा आपको होगा कि आपका वेबसाइट ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका होगा कस्टम डोमेन से, लेकिन कैचे सेव हो जाता है, उस वजह से आपको इरर शो करता है। तो आप एक बार प्रॉक्सी वेबसाइट पे चेक ज़रूर कर ले अपने वेबसाइट को, नहीं तो आप 24 घंटा तक परेशान रहिएगा, आपको लगेगा कि मेरा वेबसाइट अभी तक कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा है कस्टम डोमेन से। तो ये तो मेरा रीडायरेक्ट हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे SSL सर्टिफिकेट ऑन करने का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे आपको फ्री ही दे देता है ब्लॉगर SSL सर्टिफिकेट, तो आपको इसको ऑन कर लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपको कोई रिन्यू वगैरह नहीं करना है, अपने आप ये SSL सर्टिफिकेट आ जाता है। तो यहाँ पे अभी स्टेटस अननोन बता रहा है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और ये SSL सर्टिफिकेट अपने आप आपके वेबसाइट पे आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने HTTPS ऑन कर दिया है, तो अभी यहाँ स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है और ये बोला कि अभी प्रोसेस हो रहा है, आप कुछ देर बाद चेक कीजिएगा। तो अगर हम यहाँ पे व्यू ब्लॉग पे क्लिक करते हैं तो ये मेरा वेबसाइट अभी सही से नहीं खुल रहा है। ये इसलिए नहीं खुल रहा है क्योंकि यहाँ पे HTTPS ले रहा है और अभी तक मेरा SSL सर्टिफिकेट ऐड नहीं हुआ है। तो अगर मैं विदाउट HTTPS करूँगा तो मेरा वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो आप इसको रीडायरेक्शन को ऑन मत कीजिएगा भी जब तक यहाँ से आपका अवेबिलिटी ऑन नहीं हो जाता है। तो ये लगभग 1 से 2 घंटे में ये ऑन हो जाता है मैक्सिमम वेबसाइट के साथ, हो सकता है आपको 1 से 2 दिन भी लग जाए अगर ज़्यादा वेबसाइट ब्लॉगर का उस समय SSL के लिए पेंडिंग होता है तो। और जब तक आपको SSL सर्टिफिकेट मिल नहीं जाएगा तब तक इसको आप अपने वेबसाइट को HTTPS में रीडायरेक्ट मत कीजिएगा, नहीं तो आपका वेबसाइट ओपन नहीं हो पाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं HTTPS अवेलेबल बता रहा है स्टेटस। तो लगभग 1 घंटा मेरे को टाइम लगा SSL सर्टिफिकेट ऑन होने में। तो ये मेरा ऑन है, तो अब मैं इसको रीडायरेक्ट भी कर सकता हूँ, यानी अगर कोई मेरा वेबसाइट विदाउट HTTP ओपन करता है तो वो वेबसाइट HTTPS वाले वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएगी जिसमें आपको अपने वेबसाइट का लॉगपेड दिखेगा। तो अगर मैं यहाँ व्यू ब्लॉग पे आपको क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा सिक्योर दिखा रहा है और लॉगपेड भी ऑन है, सर्टिफिकेट भी आपका वैलिड है। तो इस तरह से आप अपने वेबसाइट पर SSL सर्टिफिकेट ऑन कर सकते हैं अगर आपका वेबसाइट ब्लॉगर पे बना हुआ है तो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे Instagram ID अमित कुमार सचिन पे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।